हेलो एवरीवन, आई एम अंकुश मल्होत्रा एंड यू आर विद लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी की एक्सरसाइज नंबर 9B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 9A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 9B। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABD एंड ACE आर ड्रॉन। क्या बोला है क्वेश्चन में, ऑन द साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करें। द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ABC ट्राइंगल, ABC। ये मैंने एक ट्राइंगल ABC बना लिया। AB साइड पर और AC साइड पर आपको ट्राइंगल्स बनाने हैं। किस तरह के ट्राइंगल्स हैं, क्वेश्चन में बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आप देखें यहाँ तो यहाँ पर इक्विलेटरल वर्ड दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाने हैं। AB वाली साइड पर तो ये वाला ट्राइंगल बनाना है आपने, ABD। तो हम पहले AB साइड देख लेते हैं, ये है साइड AB। इस वाली साइड AB पर ABD ट्राइंगल बनाना है आपने, ABD। तो A से B, बी से डी एक ट्राइंगल यहाँ बना देंगे इस तरह से। तो ये एक ट्राइंगल बना दिया, ABD ट्राइंगल, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हमने। तो यहाँ क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, तो हम इस पे तीनों साइडों पर इक्वल के मार्क्स लगा देते हैं। ये जो इक्वल के मार्क्स हैं ये डिनोट कर रहे हैं कि ये तीनों की तीनों साइडें इक्वल हैं, जिसकी वजह से ये ABD ट्राइंगल इक्विलेटरल है। और दूसरी साइड कौन सी है, AC साइड। AC साइड पर ACE ट्राइंगल, AC साइड पे, तो AC साइड ये है। इस वाली साइड पर आपको ACE ट्राइंगल, ACE एक नीचे की तरफ ले जाएंगे ये, तो एक ट्राइंगल और बना लिया ACE। ये हमने AC वाली साइड पर बनाया, और ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। तो ये वाला जो इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इसमें हमने डबल डबल मार्क्स से इसकी सारी साइडों को इक्वल शो करा। अब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की हम सारी साइडों को सिंगल सिंगल मार्क्स से इक्वल दिखा देंगे। ये एक एक मार्क से दिखा देते हैं, क्योंकि ये दूसरा ट्राइंगल है इसलिए हम इसकी साइडों को सिंगल मार्क से डिनोट कर रहे हैं। और एक ये दूसरा ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है हमारे पास, दोनों ट्राइंगल्स डिफरेंट हैं इसलिए इनकी साइडों को भी हम अलग अलग मार्क से डिनोट करेंगे। अगर इसमें सिंगल मार्क से डिनोट कर रहे हैं तो उसमें फिर सिंगल से डिनोट नहीं करेंगे, उसमें हम डबल मार्क से डिनोट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, ये तो हमने दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं टू प्रूव, सबसे पहले लिखेंगे टू प्रूव। आपको प्रूव क्या करना है, एंगल CAD इक्वल टू एंगल BAE, हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो फिगर में देख लेते हैं CAD एंगल कहाँ है, C से A, A से D। तो मैं इसे अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमें फाइंड करने में इजी हो। एंगल CAD, C से स्टार्ट करेंगे, C से A और A से D, ये जो दो साइडें हैं इन दो साइडों के बीच में बना हुआ एंगल, तो इन दोनों के बीच में बना हुआ एंगल ये वाला है, ये वाला एंगल। और दूसरा एंगल कौन सा है, BAE एंगल पे भी देख लेते हैं, इसको अलग मार्क से या अलग कलर से दिखा देते हैं। BAE, B ये वाला वर्टेक्स है, यहाँ से B से A, A से फिर E, ये। तो इन दोनों साइडों के बीच में जो येलो कलर से डिनोट करी है, इन दोनों साइडों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल है। तो हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल जो दिया था उसकी हेल्प लेंगे। कौन सा ट्राइंगल, एक तो ये वाला ट्राइंगल है ABD वाला ट्राइंगल। तो आपको सबसे पहले प्रूफ लिखना है, प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ट्राइंगल ABD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल ABD जो है
इक्विलेटरल है, इसलिए इसके तीनों के तीनों एंगल्स, कौन से एंगल्स, ये वाला एंगल, इसका नाम है बी डी ए, क्योंकि ये डी वाले कोने पर बन रहा है इसलिए हम डी को सेंटर में रखेंगे। आप इसे बी डी ए भी कह सकते हो, आप इसे ए डी बी भी कह सकते हो। तो हम इसे लिख देते हैं एंगल बी डी ए इक्वल होगा, दूसरा एंगल ये बी कॉर्नर वाला है, इसका नाम है डी बी ए, एंगल डी बी ए। तीसरा एंगल ट्राइंगल का जो है वो ये है, ए कॉर्नर पे डी ए बी। ये तीनों के तीनों एंगल हम बराबर ले सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल कैसा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब जब ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर होंगे, कितने कितने, 60 डिग्री के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया ट्राइंगल ए बी डी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो वी आर टेकिंग दीज थ्री एंगल्स इक्वल टू 60। और हम यहाँ फिगर में भी लिख देते हैं, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये वाला एंगल भी 60 है। अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल पर आ जाते हैं जो कि इक्विलेटरल था, कौन सा ट्राइंगल है, ए सी ई, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम लिख देते हैं ट्राइंगल ए सी ई इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये जो सेकेंड नंबर वाला ट्राइंगल है ये भी इक्विलेटरल है, इसलिए इसके भी तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होंगे। पहले ये एंगल लिखें, ये एंगल जो है ए कॉर्नर पे बन रहा है तो इसे लिखेंगे सी ए ई, एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल जो ई कॉर्नर पे बना ए ई सी, इक्वल टू थर्ड एंगल जो सी वाले कॉर्नर पे बना ए सी ई। ये तीनों के तीनों एंगल इक्वल लिए जाएंगे क्योंकि ये तीनों एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर में आ रहे हैं और इनकी वैल्यू जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के एंगल की वो 60 डिग्री होगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे भी यूज़ कर ली और हमने ये सारे एंगलों को भी 60 बता दिया। तो फिगर में भी मैंशन कर देते हैं 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी आपका 60 डिग्री। अब आपको जो प्रूव करना था एंगल उस पर फोकस करें। हमें एक तो ये रेड कलर वाला है मार्क, ये जो मैंने रेड कलर का मार्क लगाया हुआ है उस एंगल को देखेंगे। हमें प्रूव करना है एक तो ये कंप्लीट एंगल और दूसरा जो प्रूव करना है उसे भी देख लेते हैं, ये वाला। इन दो एंगल्स को बराबर लाना है। अब आप इन दोनों एंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का एंगल का जो कुछ हिस्सा है वो 60 डिग्री का है। अगर आप ध्यान से देखें फिगर में तो आपको नज़र आएगा, मैं यहाँ अलग से फिगर भी बना के दिखा देता हूँ। ये रेड कलर वाला जो एंगल है डी ए ई कुछ इस तरह से है, डी ए सी, डी ए सी एंगल जो हमें इक्वल दिखाना था, ये वाला डी ए सी, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक लाइन ऐसे जा रही थी बीच में बी, ये एंगल और ये एंगल मिलाकर बना हुआ है पूरा एंगल डी ए सी। ऊपर वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, अभी अभी यहाँ दिखाया हमने, अगर आप ध्यान से देखें ये रहा 60, और नीचे वाला वो हमें मालूम नहीं। अब हम दूसरा एंगल देखें जो हमें प्रूव करना था बी ए ई, उस पर भी फोकस कर लेते हैं। बी ए ई येलो कलर वाला है, बी ए ई, तो यहाँ कुछ इस तरह से फिगर आ रही है इसकी, बी से ए फिर ए से ई इधर गया और एक लाइन ए से इधर आ रही थी ये। तो ये जो बी ए ई पूरा एंगल है ये भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक अपर पार्ट और एक ये लोअर वाला। नीचे वाला जो एंगल है वो हमने ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर लिया था, नीचे वाला एंगल कितना था 60 डिग्री। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, जो दोनों के दोनों पूरे पूरे एंगल हमें इक्वल लाने हैं उनमें 60 डिग्री तो आ ही रहा है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आ रहा है जो हमें मालूम नहीं है। ऊपर वाले में सॉरी पहले वाले एंगल में तो ये हिस्सा है वो जो हमें पता नहीं है कि कितने डिग्री का है, और दूसरे वाले एंगल में देखेंगे तो उसमें भी ये हिस्सा है जो हमें मालूम नहीं है। ये हिस्सा दोनों में कॉमन है, अगर आप देखें तो ये एंगल का नाम क्या है, बी ए सी, उसमें भी आ रहा है, देखो बी ए सी, तो दोनों में बी ए सी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है पूरे एंगल का नाम लिखते हैं, पूरा एंगल जो है ये कंप्लीट एंगल ये है डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू सम ऑफ टू पार्ट्स,
ये दोनों पार्ट्स का सम है, डी ए बी प्लस एंगल बी ए सी। हमने लिख दिया ये पूरा एंगल इन दोनों हिस्सों का सम है, नीचे वाला जो कि 60 डिग्री है, कौन सा डी ए बी वाला 60 डिग्री, प्लस बी ए सी हमें मालूम नहीं है, तो हम बी ए सी को पुट ऐसे ही लिख देंगे, इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एंगल बी ए सी। तो हमें यहाँ डी ए सी का आंसर पता चला, आंसर ऑफ डी ए सी इज 60 प्लस बी ए सी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर वन, हमने यहाँ पर डी ए सी का आंसर फाइंड कर लिया 60 प्लस बी ए सी। अब हम दूसरा एंगल इसी तरह सॉल्व करेंगे, ये पूरा एंगल जो सेकेंड वाला मुझे बी ए ई चाहिए, वो बी ए ई यहाँ लिखेंगे बी ए ई, ये जो एंगल है ये भी इक्वल है, किसके इक्वल है, दो हिस्सों को जोड़कर बनाया गया है, ये पहला हिस्सा बी ए सी प्लस दूसरा एंगल जो है नीचे वाला वो है सी ए ई, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें नीचे वाला जो सी ए ई है वो मुझे पता है 60, यहाँ मैंने फिगर में डाला हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 60 डिग्री है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल, और बी ए सी हमें पता नहीं तो हम इसे बी ए सी ही लिखेंगे। तो यहाँ पर बी ए ई का आंसर आ गया कितना, बी ए सी प्लस 60। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर टू। अब आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आंसर दोनों में सेम आए हैं, दोनों आंसर क्या है, सेम है, देख लो चाहो तो आप, डी ए सी का आंसर क्या है 60 प्लस एंगल बी ए सी, और बी ए ई का आंसर क्या है वो भी वही है 60 प्लस एंगल बी ए सी। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन नंबर वन और टू को सॉल्व करके हमें क्या मिला, वी गेट एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई, दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों के आंसर इक्वल हैं, किसके 60 प्लस एंगल बी ए सी। तो आगे लिख देंगे आप, हैंस प्रूव्ड, यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था कि इन दोनों के आंसर बराबर हैं, तो वो चीज़ आओगी आपकी बराबर आ चुकी है। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, तो ये मैं फिगर इरेज कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, सी डी एंड बी ई आर इक्वल, हमें प्रूव करना है जो सी डी साइड है और जो बी ई साइड है वो इक्वल है। तो हम देख लेते हैं कहाँ पर है सी डी और बी ई, सी डी, सी डी, सी डी तो जुड़ी हुई नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें सी से डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी से डी को ज्वाइन करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले टू प्रूव लिखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें साबित करना है कि सी डी एंड बी ई आर इक्वल। फिर हमने देखा कि सी डी तो जुड़ी हुई नहीं थी, तो हमें लेना पड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क, ज्वाइन करेंगे, जोड़ देंगे, किसको जोड़ेंगे, सी डी को ज्वाइन सी एंड डी, सी और डी को ज्वाइन करें, एंड एक चीज़ और ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो बी ई है वो भी जुड़ी हुई नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें बी से ई ये भी ज्वाइन नहीं है, तो बी एंड ई इसे भी आप ज्वाइन करेंगे। तो ये दो कंस्ट्रक्शन लेनी है, तो मैं यहाँ ज्वाइन करके दिखा देता हूँ, डी सी, पहले तो ये ज्वाइन करें, ये मैंने रेड कलर से इसलिए ज्वाइन करी ताकि आपको दिखाई दे जाए कि ये रेड कलर वाला एक ट्रायंगल बन गया डी से सी ज्वाइन करके। अब बी ई को भी ज्वाइन करना है, तो इसे येलो कलर से कर देते हैं हम ज्वाइन, ये मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये कर दी ज्वाइन येलो कलर से। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो रेड कलर वाला ट्राइंगल है और एक येलो कलर वाला ट्राइंगल है, और इन्हीं दोनों ट्राइंगल में वो साइड्स आ रही हैं जो हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, एक रेड कलर वाला ट्राइंगल है
जिसमें आपकी सी डी साइड आ जाएगी, और एक येलो कलर वाला ट्राइंगल है जिसमें आपकी कौन सी साइड आ जाएगी, बी ई साइड आ जाएगी। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके इनकी दोनों साइडों को सी पी सी टी सी प्रॉपर्टी से इक्वल प्रूव कर देंगे। तो हम यहाँ पर प्रूफ में सबसे पहले ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल के नाम बताएंगे कि कौन कौन से ट्राइंगल हम यहाँ लेना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अलग से फिगर भी बना के दिखा देता हूँ। रेड कलर वाला जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये डी है आपका, और डी से ए, फिर ए से यहाँ गया सी, और ये वो साइड है जो हमें इक्वल लानी है। अब येलो कलर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। येलो कलर वाला ट्राइंगल जो है आपका वो बी से स्टार्ट हो रहा है, बी टू ए, बी ए, फिर उसके बाद ए से ई, और बी ई वो लाइन है जो हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। सबसे पहली चीज़ कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए, प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी। कौन सी कौन कौन सी टाइप्स हैं कॉन्ग्रेंसी की, आर एच एस प्रॉपर्टी से हो सकता है, एस 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 प्रॉपर्टी से हो सकता है, एस ए एस से हो सकता है, ए ए एस या फिर ए एस ए, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके थ्रू हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी से हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्या 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 दोनों में इक्वल मिल सकते हैं हमें। अगर मैं देखूँ यहाँ रेड कलर वाले ट्राइंगल को, तो रेड कलर वाले ट्राइंगल में एक जो है डबल मार्क वाली साइड आ रही है। कौन सी साइड है जिस पर डबल मार्क लग रहे हैं, अगर आप बहुत केयरफुली देखनी पड़ेगी फिगर आपको, ये जो रेड कलर का ट्राइंगल है इस पर डबल मार्क ए डी पर है, और किसी साइड पर डबल मार्क नहीं आ रहे, ए सी पे भी नहीं है डबल मार्क, इस पे भी नहीं है, ये ए डी एक ऐसी साइड है जिस पर डबल मार्क है। और येलो कलर वाले ट्राइंगल में भी एक साइड ऐसी है जिस पर डबल मार्क आ रहे हैं, देखेंगे ध्यान से, ये रही वो साइड, येलो कलर की साइड जिस पर डबल मार्क है, कौन सी, ए बी, ये देखो ये डबल मार्क मैंने इक्वल वाले डिनोट करे थे, तो ए बी पे भी क्या लगा देते हैं, डबल मार्क। अब सिंगल मार्क वाली देख लेते हैं, रेड कलर के ट्राइंगल में सिंगल मार्क वाली कौन है, ये वो साइड है जिस पे सिंगल मार्क था ए सी, तो इस पे आप सिंगल मार्क लगा दो। येलो कलर वाले ट्राइंगल में सिंगल मार्क वाली लाइन कौन सी है, ए ई, ए ई पे सिंगल मार्क है, तो इस पे आप सिंगल मार्क लगा दो। तो हमें दोनों ट्राइंगल्स में दो चीज़ें तो बराबर मिल गई कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए, आप बोल सकते हो फर्स्ट ट्राइंगल की ए डी और सेकेंड ट्राइंगल की ए बी बराबर है, ए सी ए ई के बराबर है। अब तीसरी चीज़ एक और चाहिए आपको, वो है ये एंगल डी ए सी। यहाँ हमने प्रूव करा था फर्स्ट पार्ट में कि डी ए सी किसके बराबर है, बी ए ई के बराबर है, ये हमने प्रूव करे थे, यहाँ देख लो आप फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करा था। तो हमारे पास कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए तीन चीज़ें हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखें, इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम आप अपनी चॉइस से लिख सकते हो, लेट से दिस इज डी ए सी, डी ए सी, एंड सेकेंड ट्राइंगल का नेम जब लिखोगे तो आप चेक करके लिखोगे तीनों वर्टिसेस को कि पहले कौन सा वर्टेक्स आना चाहिए, दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा। आप देखेंगे तो ये ए वर्टेक्स वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल था, इधर भी ए वर्टेक्स वाले एंगल के इक्वल था, यानी सेकेंड प्लेस पर ए था, तो इसमें भी आप सेकेंड प्लेस पर ए ही भरो। दूसरी चीज, ये जो डबल मार्क वाली साइड है इसके सामने कौन सा कॉर्नर आ रहा है, सी कॉर्नर आ रहा है, तो जिस प्लेस पर आपने यहाँ फर्स्ट ट्राइंगल में सी लिखा, ये कौन था सी, सी था डबल मार्क वाली साइड के सामने वाला वर्टेक्स, तो इस वाले ट्राइंगल में डबल मार्क वाली साइड के सामने कौन सा वर्टेक्स है, ई वर्टेक्स, तो जहाँ सी लिया गया है वहाँ पर दूसरे ट्राइंगल में ई लिया जाएगा, तो ये हमने थर्ड प्लेस पर किसको भर दिया, ई वर्टेक्स को भर दिया, मिडिल में ए आ गया था। अब बात करते हैं फर्स्ट की, फर्स्ट प्लेस एम्प्टी रह गई, तो तीन ही वर्टेक्स होते हैं ट्राइंगल के, एक बी है यहाँ, एक ए है यहाँ, एक ई, तो ए और ई तो हो गया, तो बचा कौन, बी, तो आप यहाँ बी मेंशन कर दें, तो ट्राइंगल का नाम हो गया बी ए ई। तो यहाँ पर हमने दोनों ट्राइंगल्स के नेम लिख लिए हैं। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए पहली चीज, ए डी साइड फर्स्ट ट्राइंगल की इक्वल है ए बी साइड के
जो सेकंड ट्राइंगल में है। अब ये इक्वल क्यों है, हमें इनका रीज़न देना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों के दोनों साइड्स हैं, दीज आर साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये दोनों के दोनों साइड्स हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अब कौन सा ट्राइंगल है उसका नाम भी बता दो आप। डबल मार्क वाली साइड है ये थी तीनों, अगर आप ध्यान से देखें, एक साइड ये है डबल मार्क की, एक साइड ये है डबल मार्क की, एक साइड ये है डबल मार्क की, तो ट्राइंगल कौन सा था इक्विलेटरल, ए बी डी ट्राइंगल। तो यहाँ पर ट्राइंगल का नाम भी लिख दें ए बी डी। दूसरी चीज, इस ट्राइंगल में सिंगल मार्क वाली ए सी और इस ट्राइंगल में सिंगल मार्क वाली ए ई, आप बोल सकते हैं ए सी एंड ए ई आर इक्वल, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हैं, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिन पे सिंगल सिंगल मार्क लग रही थी वो साइडें देखें मेन फिगर में, ये सिंगल मार्क के साइड, ये सिंगल मार्क के साइड, ये सिंगल मार्क, तो ट्राइंगल कौन सा है ये, सी ए ई ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल सी ए ई बोल दो या ए सी ई जो क्वेश्चन में दिया था, ए सी ई ऐसे भी पढ़ सकते हैं या सी ए ई इस तरह, या ए सी ई कैसे भी रीड कर सकते हो आप, एक ही बात है। तो ए सी ई दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हम एंगल लेंगे, जो एंगल मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा था, एंगल डी ए सी फर्स्ट ट्राइंगल में और एंगल बी ए ई सेकेंड ट्राइंगल में, ये दो आपस में इक्वल हैं, ऐसा हमने साबित करा था, प्रूव्ड अबव इन फर्स्ट पार्ट, ये कोई गिवन नहीं है, ये हमने खुद प्रूव करा था फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास दो तो साइडें आ गई और उन साइड के बीच में इंक्लूडेड वाला एंगल, दोनों साइडों के बीच में आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो ऐसे में ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, दो साइड और एक एंगल, एंगल बीच में लेंगे, बाय एस ए एस प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्राइंगल कौन कौन से, पहला ट्राइंगल का नेम है डी ए सी, मैंने यहाँ भी लिखा था, ये लिख देते हैं डी ए सी ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट का साइन बनाएं। दूसरा ट्राइंगल बी ए ई, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय एस ए एस प्रॉपर्टी, देयरफोर हम कह सकते हैं जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो ही चुके हैं, इसलिए देयरफोर डी सी साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू बी ई साइड ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। ये डी सी कौन है, जो एंगल के सामने है, वहाँ पे भी कौन है, एंगल के सामने है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की। तो रीज़न आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे सी पी सी टी सी, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज ए में पढ़ाई थी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइडें और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, तो सी पी सी टी सी प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर वन करेंगे आप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टू। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड ए पी बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पर आपको दो फिगर दी हुई हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हैं, ये पार्ट्स हैं, आपको दोनों पार्ट्स सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन दोनों का सेम ही है। तो हम पहले ये फर्स्ट फिगर कंसिडर करते हैं, मैं यहाँ पर ये फर्स्ट फिगर बना लेता हूँ। पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, ये एक स्क्वायर है और नेम है इसका ए बी सी डी, क्वेश्चन में बोला है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। और दूसरी चीज़, यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल भी दिया है, द नेम ऑफ दैट ट्राइंगल इज ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी ये जो ट्राइंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ये दो लाइन आपकी डॉटेड डॉटेड ज्वाइन हुई हुई हैं और आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, क्वेश्चन में बोला है आप ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे ट्राइंगल बी पी सी के, ऐसा क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा है। यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर हम कॉन्ग्रेंट का साइन लगा लेते हैं। तो आपको ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं, कौन कौन से ट्राइंगल मैं यहाँ पर आपको फिगर में शो कर देता हूँ। पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए पी डी,
ए से पी, पी से डी और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है आपने। दूसरा ट्राइंगल कौन सा कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है? बी पी सी, बी पी सी, ये दो ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, साइड्स, एंगल्स। वो सर्च कर लें हम कौन कौन सी हम साइड इक्वल ले सकते हैं दोनों ट्राइंगल में और कौन कौन से एंगल्स इक्वल ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर था, तो स्क्वायर की चारों साइड आपको पता है इक्वल होती है। तो ये जो साइड है फर्स्ट ट्राइंगल में आ रही है रेड कलर वाले ट्राइंगल में, और जो ग्रीन कलर वाले ट्राइंगल में ये बी सी साइड आ रही है, ये दोनों साइडें हम आपस में इक्वल ले सकते हैं। वाई वी कैन टेक दीज टू साइड्स इक्वल, क्योंकि ये दोनों साइडें जो हैं वो स्क्वायर की साइड्स हैं और स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती है, तो दोनों की लेंथ हम बराबर ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल ए पी बी दिया था क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में कहा था ये जो ए पी बी ट्राइंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी तीनों की तीनों साइडें क्या होती हैं? इक्वल। जैसे स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती हैं, यहाँ पर स्क्वायर की चार साइड जो थी उन पे मैं सिंगल सिंगल मार्क लगा लेता हूँ, ये सारी साइड्स आपस में क्या हैं? इक्वल हैं, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स हैं। इसी तरह इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की ए पी वाली साइड और इक्विलेटरल ट्राइंगल की पी बी वाली साइड इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है और दोनों की दोनों डिफरेंट ट्राइंगल्स में आ रही हैं, एक रेड कलर वाले ट्राइंगल में आ रही है और एक ग्रीन कलर वाले ट्राइंगल में आ रही है। तो इन्हें मैं अलग मार्क से डिनोट कर देता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ये जो डबल मार्क वाली हैं, ये डबल मार्क वाली मैंने कौन सी बनाई? जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हैं, और ये जो सिंगल सिंगल मार्क वाली बनाई है वो स्क्वायर की साइड है। ये वाले हटा देते हैं, हमें ट्राइंगल के अंदर फोकस करना है, जो हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है उन ट्राइंगल के अंदर सर्च करेंगे। तो दो चीज़ हमें मिल गई, तीसरी चीज़ जो है कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए वो हमारे पास यहाँ नहीं है। तो तीसरी चीज़ हमें अपने आप फाइंड करनी होगी, हमें खुद बनानी पड़ेगी। तो हमें तीसरी चीज़ जो है, दो साइड तो मिल चुकी हैं दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए, एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एंगल की हेल्प लेने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर ट्राइंगल ये वाला एंगल फोकस करें, ये ट्राइंगल जो है ये सॉरी ट्राइंगल के इनसाइड वाला ये एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा और ये एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा। किस तरह से इन एंगल को फाइंड करेंगे आप? यहाँ पर ये कॉर्नर वाला एंगल स्क्वायर का क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो आप क्या करेंगे, डी ए बी एंगल 90 डिग्री लिखेंगे। उसी तरह सी बी ए, ये भी एक स्क्वायर का इंटीरियर एंगल है, तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए, दोनों आपस में बराबर बराबर होंगे, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री होगी। क्यों ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल्स स्क्वायर के इनसाइड वाले एंगल हैं, और प्रॉपर्टी होती है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। तो हमने यहाँ फिगर में शो कर दिया कि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। अब नेक्स्ट वर्क आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल ए पी बी लेंगे, जो कि कैसा ट्राइंगल था? इक्विलेटरल ट्राइंगल था, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री का होगा, ये वाला भी 60 डिग्री का होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में, और ये वाला भी 60 डिग्री का होगा। तो आप यहाँ इन दोनों एंगल्स का यूज़ करें जो बेस पर है नीचे। तो यहाँ पर ये जो 60 डिग्री है इसका नेम कैसे लिखेंगे? पी ए बी एंगल, पी ए बी इक्वल लेंगे हम एंगल पी बी ए के। ये दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल है, और कितने कितनी है? 60 डिग्री। रीज़न क्या है क्यों ये 60 है? क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के थे। तो आप लिखेंगे यहाँ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60। जैसे हमने स्क्वायर में स्क्वायर में इंटीरियर एंगल्स को 90 डिग्री लिया था, उसी तरह हर एक इंटीरियर एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 होगा। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज
60 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी और इन दोनों को 60-60 डिग्री ले लिया। अब आप ये एंगल ऊपर वाला जो रेड कलर के ट्रायंगल में है और ग्रीन कलर के ट्रायंगल में है, ये फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? पूरा 90 है और ये वाला पार्ट 60 डिग्री है, तो वो अपर पार्ट कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 प्लस 60 90 बन जाएगा। तो हम यहाँ पूरे एंगल की हेल्प लेंगे। आप लिखेंगे एंगल डी ए बी, जो है पूरा एंगल डी ए बी, ये दो एंगलों को सम करके बना है। मैं यहाँ अलग से फिगर बना के दिखा देता हूँ। डी ए पी, ये एंगल 90 डिग्री था और ये किस तरह से बना हुआ था? एक लाइन ऐसे जा रही थी पी पर। तो ये दो एंगलों का सम है। पहला डी ए पी एंगल, एंगल डी ए पी प्लस एंगल पी ए बी, इन दोनों एंगल को जोड़कर बनेगा ये एंगल। डी ए बी कितना है? 90 डिग्री है, कंप्लीट एंगल। डी ए पी ये नहीं पता हमें कितना डिग्री है, तो हम इसे फाइंड करने के लिए ऐसे ही यूज़ करेंगे। पी ए बी की बात करें तो पी ए बी नीचे वाला एंगल है, जो कि कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री यूज़ कर लेंगे। 60 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री, तो आपका आंसर डी ए पी का आ जाएगा। यहाँ पर डी ए पी इज इक्वल टू एंगल डी ए पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने यहाँ ये वाला एंगल 60 डिग्री फाइंड कर लिया। हम यहाँ फिगर में मेंशन कर देते हैं, ये एंगल की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। 90 माइनस 60, ये मैंने गलत लिख दिया। 90 माइनस 60, मैंने 90 माइनस 60 करा है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था। तो ये है आपका 30, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 30। इसी तरह आप ये वाला भी एंगल फाइंड करेंगे जो दूसरे ट्राइंगल में आ रहा है। तो आप यहाँ पर एंगल पूरा लेंगे, ये सी से बी, बी से ए, सी बी ए, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो आप लिखेंगे एंगल सी बी ए, ये दो एंगलों को जोड़कर बनाया गया है। कौन कौन से दो एंगल? एक तो ऊपर वाला है सी बी पी, एंगल सी बी पी प्लस नीचे वाला एंगल है पी बी ए। जो ये बॉटम वाला एंगल है पी बी ए, ये 60 डिग्री का एंगल है। अगर आप ध्यान से देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल है। तो पी बी ए में हम 60 डिग्री लेंगे। सी बी पी ये हमें मालूम नहीं है। सी बी ए की बात करें तो सी बी ए, ये जो पूरा एंगल है, ये कितना है पूरा एंगल? 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 90 माइनस 60 इज इक्वल टू एंगल सी बी पी मिल जाएगा, और सी बी पी का भी आंसर माइनस करके क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो हमारे पास दोनों के आंसर कितने कितने आ गए? 30 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे? आप लिख देंगे फ्रॉम हेयर वी गेट, हमें यहाँ सॉल्व करके मिल गया, क्या मिल गया कि एंगल डी ए पी का आंसर बराबर आया एंगल सी बी पी के आंसर के। यहाँ फाइंड करा है सी बी पी, दोनों कितने कितने हैं? 30 डिग्री के। दीज टू एंगल्स आर 30 डिग्री। तो अब हमारे पास यहाँ दोनों ट्राइंगल में तीसरी चीज़ भी मिल गई है कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए, वो है एंगल 30-30 डिग्री के। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंसी स्टार्ट करेंगे, कॉन्ग्रेंसी प्रूव करेंगे, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में कहा गया था कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। तो हमारे पास तीनों चीज़ आ गई हैं, हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम ट्राइंगल के नेम लिखेंगे। पहले आप ट्राइंगल का नेम लिखेंगे, इन ट्राइंगल डी ए पी, रेड कलर वाला ट्राइंगल डी ए पी, एंड सेकेंड ट्राइंगल जो ग्रीन कलर वाला है वो आप चेक करके लिखेंगे वर्टिसेस को। वर्टिसेस को चेक करके कैसे लिखेंगे? ये हमने डी ए पी लिखा है, जिसमें ए वाला 30 डिग्री था। ए वाला हमने कहाँ लिखा था? मिडिल में, वर्टेक्स, वर्टेक्स ए मिडिल में लिखा है, सेंटर में। तो यहाँ पर भी 30 डिग्री वाला जो बी वर्टेक्स है वो हम मिडिल में लिखेंगे, सेंटर में। अब जो बचे दो वर्टेक्स, वो एक लेफ्ट हैंड पे आएगा और एक राइट हैंड पे। अब वो कैसे चेक करेंगे? वो चेक करेंगे हम यहाँ रेड कलर वाले ट्राइंगल में देखेंगे, जो ये डी ए वाली लाइन थी ये किसके इक्वल थी? सी बी वाली लाइन के इक्वल थी। तो डी ए के सामने कौन सा कोना है? पी कोना ट्राइंगल का। दूसरे ट्राइंगल में सी बी के सामने कौन सा है? पी कोना। तो दोनों में ट्राइंगलों में जो इक्वल साइड मैं ये ले रहा हूँ डी ए और सी बी, इनके सामने पी वर्टेक्स आ रहा है। तो फर्स्ट ट्राइंगल में पी थर्ड प्लेस पर है,
तो सेकंड ट्राइंगल में भी पी आप थर्ड प्लेस पर ही लिखेंगे। बचा एक ही वर्टेक्स ग्रीन कलर वाले ट्राइंगल में, सी वर्टेक्स बचा। बी और पी तो हमने लिख दिया ग्रीन कलर के ट्राइंगल का, ये रहा बी और पी, तो सी जो बचा वो आप फर्स्ट प्लेस पर भर दें। तो हमने यहाँ ट्राइंगल के नेम लिख दिए। अब तीन चीज़ कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए लिखेंगे, कौन कौन सी तीन चीज़ दोनों ट्राइंगलों में इक्वल हैं। पहली ए डी साइड फर्स्ट ट्राइंगल में रेड कलर वाले में, सी बी साइड सेकेंड ट्राइंगल में, ये आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये क्या है प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज़ करनी है। इसी तरह दूसरी साइड लिखेंगे, पहले रेड कलर के ट्राइंगल में ए पी लाइन है, किसके इक्वल है ग्रीन कलर वाले ट्राइंगल में पी बी वाली लाइन के, ये दोनों साइड्स जो हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हैं। तो हम यहाँ रीज़न लिखेंगे साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं ये, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं। फर्स्ट वाला रीज़न ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो जैसे हमने अभी लिखा है यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, उस तरह भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर हम लिख के ये भी लिख सकते हैं, ये जो दोनों हमने इक्वल लिया है ए डी और सी बी, वो क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये साइड ऑफ स्क्वायर्स हैं और साइड ऑफ स्क्वायर आपस में क्या होती है बराबर, इसलिए इन्हें हमने बराबर लिया। अब तीसरी चीज़ जो है वो हमें यहाँ इन दोनों लाइनों के बीच में बना हुआ एंगल लेना है डी ए पी, एंगल डी ए पी रेड कलर वाले ट्राइंगल में और एंगल सी बी पी, ये दोनों के दोनों हम इक्वल लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों 30 डिग्री के हैं, ऐसा हमने प्रूव्ड कर दिया है। क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था बट हमने यहाँ ये चीज़ प्रूव करके दिखाई थी कि दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं 30-30 डिग्री के। तो यहाँ पर हमारे पास दो तो साइड आई और एक एंगल, तो यहाँ पर जो हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ए पी और ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट का साइन बनाएंगे, ट्राइंगल सी बी पी। तो यहाँ पर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके शो कर दिया। यहाँ पहला पार्ट आपका यही था ए पी डी, इन्होंने बोला था ए पी डी, हमने क्या लिखा है डी ए पी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप ए पी डी लिखोगे तो आप चेक करो, ए इन्होंने यहाँ फर्स्ट प्लेस पर लिया है, तो दूसरे ट्राइंगल में फर्स्ट पे क्या लिया है बी। अब हम भी चेक कर लेते हैं, हमने ए के साथ कौन सा वर्टेक्स लिया था, ए मिडिल में लिखा था, तो हमने भी मिडिल में क्या लिखा बी। इन्होंने पी के साथ कौन सा वर्टेक्स लिया है, पी लिया है, सेकंड प्लेस पर पी है तो वहाँ पे भी सेकंड प्लेस पर पी है। अब हम अपना चेक करते हैं, पी जो है हमने थर्ड पे लिया था तो दूसरे में थर्ड पे क्या लिया था पी, हमारा भी सही है। इन्होंने तीसरा वर्टेक्स जो डी लिया है वो दूसरे ट्राइंगल में तीसरा वर्टेक्स सी लिया है, यानी डी और सी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस लिए हैं, तो डी हमने पहले लिखा था तो डी के साथ पहले वहाँ पर क्या है सी, तो हमारा भी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स डी का क्या है सी। तो ट्राइंगल के नेम हमने यहाँ चेक करके लिखे थे, तो चाहे तो आप जैसे क्वेश्चन में दिया गया था आप उस तरह लिख दें, या फिर अगर डी ए पी लिखोगे तो मैच करके आप उसके साथ क्या लिखोगे सी बी पी लिखोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया कंप्लीट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में यही फिगर हम दोबारा यूज़ करेंगे, ये तो अलग क्वेश्चन है, इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। अब दूसरे पार्ट में क्या बोला, फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल डी पी सी, आपको डी पी सी ट्राइंगल में एंगल फाइंड करने हैं सारे। डी पी सी कहाँ है डी पी सी, हम यहाँ इसे मैं आपको शेड करके दिखा देता हूँ, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के तीनों एंगल फाइंड करने हैं, ये ट्राइंगल डी पी सी ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में आपको ये तीन एंगल फाइंड करने हैं और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखें। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, हमने अभी अभी यहाँ जस्ट दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करा था, सबसे पहले तो आप यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइडें इक्वल लिखें। कौन सा ट्राइंगल था इक्विलेटरल, ए पी बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो आप यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल,
देयरफोर इसकी जो तीनों साइड हैं वो बराबर होंगी। कौन कौन सी तीनों साइड हैं? एक तो ए पी साइड, एक पी बी साइड और एक ए बी साइड। ए पी इक्वल पी बी इक्वल ए बी। तो हमने यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रॉपर्टी की यूज़ करके इनकी तीनों साइडों को बराबर दिखा दिया। और मैंने यहाँ डबल मार्क से लगाया है, ये डबल मार्क से लगाया है, तो इसे भी फिर हम डबल मार्क से शो कर देते हैं। तो तीनों की तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड हो गई। अब आ जाते हैं स्क्वायर फिगर पे, ए बी सी डी। अब आप लिखेंगे कि ए बी सी डी फिगर जो है वो एक स्क्वायर है, देयरफोर इसलिए हम स्क्वायर की सारी साइडों को बराबर ले लेते हैं। ए बी बी सी सी डी और ए डी। ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। ये सारी की सारी आपस में क्या हो गई? बराबर। अब आप इन दोनों इक्वेशंस में फोकस करो, अगर आप ध्यान से देखो कि इन दोनों इक्वेशंस में जो है ए बी साइड कॉमन साइड है, दोनों में आ रही है। फर्स्ट इक्वेशन आप इसे मान लें, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट। हमने इक्वेशन वन और टू को जब फोकस किया, ध्यान से देखा, तो हमें क्या नज़र आया कि ए पी पी बी ए बी बराबर हैं। और यही वाला ए बी यहाँ पर किसके बराबर है? ए बी बी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है और ए डी के। तो हम यहाँ से दोनों इक्वेशन को जब देखें और उसे ऑब्ज़र्व करें, तो हमें क्या नज़र आया कि ये तीन की जो लेंथ है जितने भी सेंटीमीटर होगी वही यहाँ पर भी उतने सेंटीमीटर की यूज़ होगी। तो ये सारी भी कितने होंगी? सेम सेंटीमीटर की होंगी जितनी ये हैं। तो ये सारी की सारी आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो हमने यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दीज ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। और हम जो है मेन फिगर में इन्हें सेम मार्क से डिनोट कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या निशान लगाया था साइडों पे? डबल डबल। तो बाकी स्क्वायर की साइडों पे भी हम डबल लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं डबल? क्योंकि हमने यहाँ सारी साइड्स आपस में क्या दिखा दी? इक्वल शो कर दी। अगर आप चेक करें ए पी पी बी ए बी, ये रही ए पी, ये रही पी बी, ये रही ए बी, और कौन है? बी सी सी डी ए डी, ये बी सी सी डी ए डी, ये सब आपस में इक्वल आ चुकी हैं। इसलिए मैंने इन सबको सेम मार्क्स से डिनोट करा, डबल डबल मार्क्स से। अब आपको यहाँ क्या करना है? अब यहाँ जो है इस ट्राइंगल पे फोकस करें। ये कौन सा ट्राइंगल है? डी ए पी ट्राइंगल, जो मैंने रेड कलर से बना रखा है। हम जो है अब वर्क करेंगे ट्राइंगल डी ए पी में, इन ट्राइंगल डी ए पी। डी ए पी ट्राइंगल में आपकी दो साइड बराबर दिखाई देंगी। यहाँ कौन कौन सी दो साइड्स बराबर हैं रेड कलर के ट्राइंगल में? अगर आप फोकस करें तो यहाँ मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम, वी विल टेक दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में आपको दो साइडों पे इक्वल मार्क्स नज़र आएंगे डबल डबल वाले। कौन कौन सी साइड? डी ए, डी ए बोल दो या ए डी, किसके इक्वल है? ए पी के। ये कहाँ से इक्वल आई? मैंने यहाँ प्रूव कर रखा है, देखो अगर आप ध्यान से, ए डी ए री, ए पी ए री, ये सारी आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हमें ए पी और ए डी बराबर दिखी, ऐसा हमने ऊपर प्रूव्ड कर रखा है, प्रूव्ड अबव, ये रीज़न है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स बराबर होती हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे ये दो साइड्स इक्वल हैं, सो एंगल जो ए डी लाइन के सामने आ रहा है, ए डी लाइन ये है, तो इस लाइन के ठीक सामने ट्राइंगल में कौन सा एंगल बैठेगा? ये वाला एंगल, इसके अपोजिट वाली साइड में। हमें यहाँ क्या करना है? ये जो ट्राइंगल है इसमें जो साइड्स इक्वल हैं उसके सामने वाले एंगल्स पे फोकस करना है। जैसे ये ए डी साइड थी, तो ए डी साइड के ठीक सामने कौन सा एंगल बैठेगा? डी पी ए, एंगल डी पी ए हम इक्वल ले लेंगे जो ए पी लाइन के सामने एंगल आएगा। ए पी लाइन ये थी, तो इस लाइन के ठीक सामने जो कोना आ रहा है वो है डी कॉर्नर, तो ये वाला एंगल, एंगल ए डी पी,
ये दो एंगल हम आपस में इक्वल ले लेंगे, वैल्यू ना तो इसकी लिखी हुई है और ना इसकी लिखी हुई है, यानी ये दोनों एंगल हमें पता ही नहीं है, बस ये मालूम हो गया कि इनकी वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये जो एंगल है ये इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल हैं। तो आप यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और दोनों एंगल्स को बराबर ले लेंगे। अब इनकी वैल्यू को लेट कर लेंगे, लेट डी पी ए बराबर ए डी पी बराबर एक्स, लेट से दीज टू एंगल्स आर एक्स, ये हमें मालूम तो है नहीं, तो हमने इन्हें क्या करा, एक्स मान लिया। अब आप इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, आपने एक्स तो मान लिया, तो आप क्या करें, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लें यहाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एक्स है और ये भी क्या है, एक्स, तो एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180, तीनों एंगलों को जोड़कर 180 लेते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, वो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो एक्स प्लस एक्स हो गया 2x, प्लस का 30 उधर आएगा तो 180 माइनस 30 हो जाएगा, जो कि माइनस करके 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 150। अब x का आंसर जब फाइंड करोगे तो वो होगा 150 अपॉन 2, दैट इज़ 75 डिग्री। तो हमने यहाँ 75 डिग्री फाइंड कर लिया, कौन सा आंसर, ये जो x है, तो हम यहाँ फिगर में लिख देते हैं, ये जो x हमने माने थे ये आ चुके हैं, कितने कितने हैं दोनों, ये 75, x की वैल्यू 75 है, तो ये भी 75 हो गया और ये भी 75 हो गया। अब आपको क्या करना है, आप इस कॉर्नर वाले एंगल पे फोकस करें, स्क्वायर का कॉर्नर एंगल, ये कॉर्नर सी डी ए, आप लिखेंगे एंगल सी डी ए जो है वो क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के इंटीरियर एंगल 90 होते हैं। सी डी ए दो एंगलों को जोड़कर बना हुआ है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, ऐसे हैं एंगल सी डी ए, और बीच में से एक लाइन जा रही थी पी पर। तो कौन कौन से दो एंगलों को जोड़कर बनाया गया है पूरा एंगल ये, तो हम यहाँ लिखेंगे सी डी ए के नीचे कि सी डी ए जो है वो सी डी पी प्लस एंगल पी डी ए, इन दो का सम है, और इक्वल में तो आपका यहाँ 90 लिखा है, वो लिख दें 90। तो सी डी ए को ब्रेक कर दिया दो पार्ट में और सी डी पी प्लस पी डी ए लिख दिया, इक्वल में जो 90 था वो हमने 90 एज इट इज़ लिख दिया। अब सी डी पी देखें तो सी डी पी जो है वो हमें फाइंड करना है, वो तो हमें पता ही नहीं, तो आप लिखें सी डी पी एज इट इज़, क्योंकि हमें वो पता नहीं है। बात करें पी डी ए की, पी डी ए ये हमने अभी अभी एक्स की वैल्यू फाइंड करी थी जस्ट नाउ, यहाँ मैंने ये निकाला था एक्स 75, तो ये एक्स कौन था, यहाँ हमने लिख रखा है, देखो ये रहा, यहाँ एज्यूम करा था, ये रहा, ये है आपका डी पी ए और ए डी पी एक्स, तो इन दोनों के आंसर एक्स थे, तो यहाँ पर हमें पता चला था कि डी पी ए का आंसर और ए डी पी का आंसर, दोनों के आंसर एक्स जो हैं वो 75 डिग्री हैं, तो वही आंसर हमने यहाँ पी डी ए का यूज़ करना है। ये ए डी पी है, ए डी पी रीड कर लिया जाए या पी डी ए रीड कर लिया जाए, एक ही बात है, तो पी डी ए में आप क्या लेंगे, यहाँ 75 इक्वल टू 90, ये 75 उधर जाएगा, तो आपका सी डी पी का आंसर 90 माइनस 75 करके 15 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा ये ट्राइंगल में पहला एंगल आ चुका है 15 डिग्री, क्वेश्चन में बोला था इस ट्राइंगल में आप तीनों एंगल्स पता करो, तो एक तो आ गया 15। इसी तरह सेम वे में आप यहाँ भी वर्क करें, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे ट्राइंगल्स थे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स थे, हमने पहले ही ऑलरेडी ये प्रूव कर दिया है फर्स्ट पार्ट में, हमने फर्स्ट पार्ट में इन्हें क्या प्रूव करा था, कॉन्ग्रेंट प्रूव करा था। तो हम अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं ये इरेज कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट इरेज करके यहाँ बताता हूँ मैं आपको, हमें यहाँ क्या करना है, हमें लिखना है कि हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करा था, हम उसकी हेल्प लेंगे अब। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल ए डी पी या डी ए पी लिखें, जो आपने प्रूव करा था वही लिखो, ये रही, हम लिखेंगे ट्राइंगल डी ए पी
कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी बी पी के, सी बी पी, ऐसा हमने प्रूव्ड करा था फर्स्ट पार्ट में। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, तो हम जब रेड कलर वाले ट्राइंगल को ग्रीन कलर वाले ट्राइंगल के ऊपर फोल्ड करके देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो कॉर्नर वाला एंगल है डी कॉर्नर वाला 75, ये जब ट्राइंगल फोल्ड होकर इस पर जाएगा तो ये यहाँ इसके ऊपर मैच करेगा, तो आप बोलेंगे ए डी पी एंगल। सो एंगल ए डी पी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है तो इक्वल हो जाएगा ये किसके, ग्रीन कलर के ट्राइंगल में सी पी सी बी के, सी वाले के, पी सी बी लिखेंगे इसे हम, रीजन सी पी सी टी सी। एक का आंसर 75 है तो इधर वाले का भी आंसर क्या होगा 75, तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों, ऐसा हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करे थे दोनों ट्राइंगल्स को, तो जिसकी वजह से सी पी सी टी सी प्रॉपर्टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट प्रॉपर्टी से इन दोनों एंगल्स को इक्वल ले लिया गया। अब आप क्या करेंगे, ये पूरा एंगल ले लें, ये पूरा एंगल स्क्वायर का कॉर्नर वाला, कॉर्नर वाला एंगल कितना होता है 90 होता है, तो डी सी बी, अब आप क्या करेंगे एंगल डी सी बी 90 लिखेंगे, फिर डी सी बी को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, तो ये ऊपर वाला जो एंगल है डी सी पी है, ये एंगल डी सी पी प्लस एंगल जो नीचे वाला है ये है पी सी बी, पी सी बी। तो हमने क्या करा, इस डी सी बी को दो हिस्सों में ब्रेक करके लिख दिया कि ये डी सी बी जो है इन दोनों को जोड़कर बनाया गया है और इक्वल टू में कौन है 90। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, हमने यहाँ डी सी बी 90 लिखा था, डी सी बी को ब्रेक करा था हमने, डी सी बी ब्रेक करा था यहाँ, तो फिगर में डी सी बी जो था वो डी सी पी, ये मैंने इरेज कर दिया, लिखता हूँ डी सी पी प्लस एंगल पी सी बी इक्वल टू 90। वैल्यू डालेंगे डी सी पी, डी सी पी अगर देखें, डी सी पी तो ट्राइंगल का एंगल है जो हमें फाइंड करना है इस बार, वो तो हमें मालूम ही नहीं। पी सी बी की बात करें, पी सी बी हमारे पास है कितना 75 इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप ये 75 जो है राइट हैंड पे लाएंगे, तो जब आप 75 को राइट हैंड पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम इसे माइनस कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका एंगल डी सी पी इक्वल टू 90, प्लस का 75 इधर आके माइनस का 75 हो जाएगा, और जब आप माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो हमने इस ट्राइंगल में दूसरा एंगल भी फाइंड कर लिया, डी सी पी का आंसर 15 डिग्री। अब आपको क्या करना है, तीसरा एंगल और फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला था आप ट्राइंगल के सारे एंगल्स फाइंड करें, कौन से ट्राइंगल के, मैं आपको हाईलाइट करके दोबारा से दिखा देता हूँ, ये ट्राइंगल था आपका, इस ट्राइंगल में आपको तीनों के तीनों एंगल फाइंड करने थे, तो आपने दो दो फाइंड कर लिए, ये 15 है और ये भी आ गया कितना 15, अभी अभी हमने फाइंड करा ये 15। तो अब आप क्या करेंगे, तीनों एंगलों को जोड़ें, एंगल डी सी पी, डी सी पी कौन सा है, ये कॉर्नर वाला, इधर के कॉर्नर वाला कौन है सी डी पी, जो कि आपने यहाँ फाइंड करा था सी डी पी, प्लस सी डी पी, प्लस तीसरा एंगल ये वाला है ट्राइंगल का थर्ड एंगल, ये है डी पी सी, एंगल डी पी सी, इन तीनों का सम 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, वो यूज़ कर रहे हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ब्रैकेट में लिख देंगे रीजन। डी सी पी हमने यहाँ फाइंड करा 15, सी डी पी हमने यहाँ फाइंड करा था 15, डी पी सी अब फाइंड करेंगे हम इक्वल टू 180, तो डी पी सी का आंसर 15 प्लस 15 क्या होगा 30, वो 30 जब राइट हैंड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 30 दैट इज़ 150 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो सेकंड पार्ट में आपको जो चीज़ें फाइंड करनी थी वो थी
ट्राइंगल्स के तीनों एंगल, तो वो हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन बहुत है, स्टेप्स भी बहुत सारे हैं, तो बहुत केयरफुली करना है आपने। इसी तरह आपको सेम वे में सेकंड पार्ट करना है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड फिगर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।